जय हिंद, नमस्कार। मेरे सही चैनल में स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कमांडो के लिए। दोस्तों, जितने बच्चे एसएससी जीडी वाले हैं, आप सबने अपनी आंसर की देख ली होगी और अपने नंबर भी मिला लिए होंगे। इसके साथ ही आपके मन में एक संदेह आ जाता है, वैसे दो तीन जो डाउट है उसमें क्लियर भी करेंगे। आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। एक तो आपके इस समय ये डाउट आ रहा है, जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ गए उनको ये डाउट हो रहा है कि पिछली बार से इस बार कट ऑफ कितनी ऊपर जा सकती है। दूसरा, आंसर की आ गई है फिजिकल की जो कट ऑफ कब आएगी, नॉर्मलाइजेशन में अंक अपने कितने बढ़ेंगे, क्या एक्यूरेसी का इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखो, आंसर की के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, उस फॉर्मूले को समझाया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ। आप सभी उस वीडियो को बहुत ही गहराई से देखिए कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैसे होता। अब आप खुद अपनी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन निकाल सकते हैं, वो वीडियो देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। उस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन के आपको अंक कितने मिलेंगे, उसमें आपकी एक्यूरेसी कितना प्रभावित करेगी, आपके जो अटेंड किए हुए क्वेश्चन है वो कितना प्रभावित करेंगे। साथ ही एक जो आपका डाउट है वो है कि फिजिकल कब से शुरू होंगे और कट ऑफ कब आएगी। पहले तो आप सबका सबसे बड़ा जो डाउट है वो है कट ऑफ, कि सर क्या इस बार की कट ऑफ पिछली बार की कट ऑफ से ऊपर जाएगी, क्योंकि आपने इस बार ये जरूर सुना होगा कि इस बार का पेपर का लेवल बहुत आसान है। देखो, ऑनलाइन तरीके से आपको कई माध्यम मिलते हैं, बाकी टीचर भी बताते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं। हमारे पास में ऑफलाइन डाटा था, हमारे बच्चों का है, केडीवी जितने भी बच्चे हैं वो उनके आधार पर मैं हमेशा कट ऑफ बताता हूँ। इसीलिए मेरे कट ऑफ के आंकड़े बिल्कुल करेक्ट रहते हैं। अगर आप कितनी भर्तियों के भी मेरे कट ऑफ के आंकड़े देखोगे तो पूरे के पूरे एग्जिट करेक्ट रहते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ऑफलाइन जो हमारे केडीवी में बच्चे हैं उन सबके आंसर की मैं खुद चेक करता हूँ पर्सनली, और उससे अनुमान लगा लेता हूँ कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकती है। पेपर का लेवल भी चेक हो जाता है। आप सबको मैं बता दूं, गूगल फॉर्म दे रहा हूं मैं नीचे। इस बार ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का डाटा कलेक्ट करके फिर मैं आपको आंसर की बताऊंगा, सॉरी फिर मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो आपको नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसमें आपकी कैटेगरी, आपके रोल नंबर, आपकी शिफ्ट में आपका पेपर वर्क, सारी डिटेल उसमें आपसे मांगी जाएगी। वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वो कमांडो के लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी, तो उससे हमारे पास में कुछ आंकड़े आपके आ जाएंगे, कुछ हमारी ऑफलाइन एकेडमी के आ जाएंगे, उनकी तुलनात्मक अध्ययन करके फिर आपको बताएंगे कि इस बार की कट ऑफ पिछली बार की कट ऑफ से कितनी ऊपर जा सकती है। इसके साथ ही एक चीज और, कैसे फिजिकल मई में होंगे या अप्रैल में होंगे। देखो, ये जो आंसर की लेट आई है ना, इसके पीछे का रीजन आप सबको स्पष्ट है कि कुछ पेपर वापस हुए, 16,000 लगभग कुछ बच्चों के पेपर वापस हुए, इसीलिए आंसर की लेट आई। बाकी 30 तारीख उनके पेपर हुए, आज देखो 3 तारीख आंसर की आ गई। अब मैं आपको बता दूं, 20 तारीख से पहले पहले आपकी कट ऑफ भी आ जाएगी। ठीक है, जो आने वाली 20 तारीख है उससे पहले पहले आपकी कट ऑफ भी आ जाएगी, और कट ऑफ के 10 से 15 दिन, अगले जो 10 से 15 दिन है उसके बाद में आपकी फिजिकल भी जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। इलेक्शन का अगर इस भर्ती पर प्रभाव नहीं पड़ा तो ये मान के चलिए कि मई के महीने में एसएससी जीडी के फिजिकल होंगे। आप सबको पता है कि 5 किलोमीटर की रनिंग इतनी आसान नहीं है, मैं कई दिनों से आपको बोल रहा हूं कि आपको रनिंग पर इसी समय से ध्यान देना चाहिए। अगर मई के महीने में आपकी रनिंग है तो आपको पूरा इस समय पूरी जान लगा देनी चाहिए अपनी रनिंग पर, जिनके अच्छे नंबर है। एक जो संदेह है सबसे बड़ा, जिनके अच्छे नंबर उनको लगता है कि सबके अच्छे हैं, ऐसा नहीं, पेपर आसान था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 20 नंबर 10 नंबर कोई मेरिट रख जाए। नहीं नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1-2 नंबर 2-4 नंबर तक फर्क पड़ सकता है, इसके ऊपर तक हमारे फाइनल मेरिट में फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर मैं आपको करेक्ट आंकड़े भी बता दूंगा। ठीक है, जितनी हवा बनती है उतना कुछ होता नहीं, इस बात को आप समझना। ठीक है, तो मई के महीने में आपके फिजिकल पॉसिबल है अगर इसके चुनाव का भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक तो ये बात ध्यान रखना, 5 किलोमीटर की रनिंग लड़कों के लिए 24 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप ये पूछोगे सर आपको क्या लगता है चुनाव का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी आपको 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कि सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनाव का। वो न्यूज पेपर में ली हुई थी, उस वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डलवा दूंगा, तो उससे भी आप देख के आप संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर सही है जैसे जैसे चला तो मई के महीने में आपके फिजिकल होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि जून जुलाई में मेडिकल की डेट है और अगस्त में फाइनल मेरिट आना है, क्योंकि अगस्त में अगली भर्ती की नोटिफिकेशन आनी है। ठीक है, तो फिजिकल भी आपका होगा, और 5 लड़कियों के लिए आप सबको पता 1600 मीटर की रनिंग है। ठीक है लाडो, तो कट ऑफ कितनी जाएगी इसका आंकड़ा मैं आपको कल एक पूरा डिटेल में वीडियो लाता हूँ, इसलिए गूगल फॉर्म को आप अच्छे से भर लीजिए और नॉर्मलाइजेशन के लिए वो वीडियो देख लीजिए, तो आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
कट ऑफ इसका अगर आपके अच्छे नंबर आए तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी, अगर आपकी कम हो तो ये भी मत सोचना कि आपका नहीं होगा। पिछली बार के कट ऑफ और इस बार के कट ऑफ में कितना अंतर रहेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बिल्कुल करेंगे। ठीक है लाडो, जय हिंद जय भारत।